नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है सोना की, दीनदयाल प्लॉट्स की। तो ये सीरीज की वीडियो नंबर 2 है। इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं, मेफेयर बिल्डर है और इसने एक 18 एकड़ की टाउनशिप लॉन्च कर दी गई है। उसके अंदर उसका लाइसेंस आ गया है, रेरा आ गया है, 90% प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है और 10% की इन्वेंट्री है, वो थोड़े हाई रेट में ओपन करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम सारी चीजें जानने वाले हैं। टोटल 18 एकड़ का ये लैंड बैंक है इनका और कितनी डेवलपमेंट हो गई है वो भी जानेंगे। एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसका जो डेवलपमेंट कर रहा है वो कर रहा है सेंट्रल पार्क को, जिसने फ्लावर वैली को, जिसने भी डेवलपमेंट, आज जिस हिसाब से आपको एक अलग ही फील आता है वहां जाने का, वही टीम यहाँ पे इंफ्रा के साथ पैरोल के ऊपर है और वही इस टाउनशिप को डेवलपमेंट करेगी और साथ में इनकी मानेसर के अंदर भी जो टाउनशिप है उसको भी वही डेवलपमेंट करेगी। तो जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर टाइम से पहले अपने इन्वेस्टमेंट डाली थी, आज उनका मोस्टली डबल तक रेट होने वाला है। क्योंकि कई लोगों ने, मैंने खुद गाइड किया था कि सर डाल दो, क्योंकि उस टाइम उस प्रोजेक्ट का आप LOI भी नहीं आया था और ना ही लाइसेंस अप्लाई किया था। तो उस टाइम मैंने करीब करीब 17 से 18 चेक लगाए थे। आज उनके जो प्राइस है मोस्टली डबल हो चुके हैं। चलिए आज जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और पूरी डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो हमारी वीडियो नंबर 1 देख ले, क्योंकि उसके अंदर हमने जो गुड़गांव से लेकर सोना तक जो रोड है उसके बारे में प्रॉपर बताया गया है कि किस टाइप का रोड है, क्या चीजें हैं। आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको गुड़गांव और सोना की कनेक्टिविटी के बारे में पता चल जाए। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर प्रोजेक्ट की और वहां से सोना चौक से और प्रोजेक्ट तक क्या डिस्टेंस है, क्या कुछ उसके आसपास है, कितनी डेवलपमेंट होने वाली है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्ट रोड का आने वाला है, तो उसके तहत वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लमसम 13-14 मिनट की ये वीडियो होने वाली है। तो आप अंत तक बने रहिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आप तभी समझ पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। तो आइए चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। दोस्तों अभी हम हैं सोना चौक के ऊपर जहां एलिवेटेड रोड बिल्कुल एंड होता है, इसको बोलते हैं सोना चौक भी बोल देते हैं। और यहां से हमें लेना है अब लेफ्ट, सामने जो देख रहे हैं बोर्ड मेफेयर इंफ्रा, इसी बिल्डर के प्रोजेक्ट पे हम चल रहे हैं। और यहां से दमदमा लेक यहां से स्टार्ट होता है और ये जो दमदमा लेक है ये सेक्टर 4-5 और फिर सीधा DMIC को कनेक्ट करता है। तो इस टाइम ये रोड बहुत बिजी रोड है और आज के टाइम जिस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं, आज टाइम थोड़ा ऐसा है, छुट्टी का दिन है और थोड़ा दोपहर हो चुकी है तो व्हीकल्स थोड़े कम हैं, अदरवाइज यहाँ अच्छा खासा जाम लग जाता है। क्योंकि यहाँ से व्हीकल इसलिए भी लगते हैं क्योंकि आगे अगर हम KMP की तरफ जाते हैं तो उधर टोल है, तो लोग टोल बचाने के चक्कर में यहाँ से निकलते हैं सीधा DMIC के नीचे होते हुए सीधा फरीदाबाद निकल जाते हैं। तो अभी अगर इस रोड की बात करें दोस्तों तो ये रोड अभी कम मतलब चौड़ाई में कम है, करीब 2 या 3 व्हीकल्स यहाँ से निकल सकते हैं एक साथ। ये रोड आगे जाके बहुत चौड़ा बनने वाला है लेकिन अभी नहीं बन रहा है। आपको पता है कि अभी सबसे पहले सोना के अंदर 60 मीटर रोड का काम शुरू होगा, वो 2 से 2.5 साल के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा। ये जो रोड है ये फ्यूचर के अंदर सबसे शॉर्टकट रास्ते वाला ये रोड होगा। हो सकता है जितने भी यहाँ पे टाउनशिप में जो लोग रहते हैं इस रोड को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसी रोड के साथ कनेक्ट होगा। जो गुड़गांव से जो गोलकोस रोड से जो रोड आना है 184 मीटर रोड, वो इसी रोड को हिट करेगा और डायरेक्ट जा सकते हैं आप DMIC के बगल में, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। और सेक्टर 4-5 के अंदर भी आपको, अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, ये है GLS का अरावली होम जहाँ फेज़ 1 और फेज़ 2 आया था, बहुत सारी फैमिलियाँ रह रही हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि सेक्टर 4 के अंदर एक स्टेडियम भी पास हो चुका है। पहले प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो दोस्तों राइट साइड में ये प्रोजेक्ट आ गया है, अभी इसका गेट का काम चल रहा है मेफेयर इंफ्रा। और अगर हम प्रोजेक्ट के बात करें, प्रोजेक्ट के नाम,
तो गोल्डन पार्क करके इस प्रोजेक्ट का नाम है। ये इंट्री है, एक इंट्री इधर से है, एक आगे से है। तो दोस्तों अलग ही फील आता है यहाँ पे आने के बाद। आप सोना की किसी भी टाउनशिप में चले जाओ, सेंट्रल पार्क के बाद दूसरी ऐसी टाउनशिप मैं देख रहा हूँ जहाँ एक अलग ही फील आता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है, अच्छी जगह है, रहने लायक है। तो आप खुद भी वीडियो के अंदर जो चीज़ें देख रहे हैं और आगे भी मैं वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूं, तो इसके अंदर भी कुछ ऐसी इन्वेंट्री हैं जो आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करने लायक हैं। चलिए आगे चल के अच्छी तरीके से बात करते हैं। दोस्तों ये मेन गेट है, इधर से ही अभी इंट्री हुई थी हमारी, इस साइड से आए थे हम। तो ये टाउनशिप है पूरी की पूरी, ये अभी इनका सेल्स ऑफिस है। और इधर से अगर हम आगे जाते हैं यहाँ से प्लॉट शुरू हो जाते हैं, 106 गज के प्लॉट हैं यहाँ पे, और कुछ प्लॉट उधर हैं लाइन में, लेकिन ये सब प्लॉट सोल्ड आउट हैं। आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, स्ट्रीट लाइट इस टाइप की रहेंगी यहाँ पे। अभी काम चल रहा है साइट के ऊपर, तो थोड़ा आपको शोर शराबा दिखेगा। तो काफ़ी अच्छा व्यू है। अभी जो ये डेवलपमेंट देख रहे हैं ये 30% है। जो आप ये दीवार देख रहे हैं, इन दीवारों के ऊपर भी डिजाइन आएंगे, फिर इनके ऊपर 3.5 फीट की फेसिंग आएगी, लोहे की वायर वगैरह यहाँ पे करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इस टाउनशिप के अंदर और क्या चीज़ें हैं। दोस्तों अभी हम सामने से आए थे, जहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो इनका एंट्री गेट है। एक गेट इधर लगेगा और उसी के सामने GLS का है, अरावली होम्स। और जो उधर कंस्ट्रक्शन चल रही, ये इनका सेकेंड फेज है। और इस सेकेंड फेज के बैक साइड में है सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क बिल्कुल नज़दीक है और यहीं से एक 60 मीटर रोड आएगा, जो सेंट्रल पार्क और जो गुड़गांव की साइड से आना है वो यहीं से होता हुआ आएगा। और सेंट्रल पार्क के बीच में जो 24 मीटर रोड आ रहा है वो इस दीवार के साथ साथ आ रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये है मेफेयर की, मेफेयर इंफ्रा बिल्डर का नाम है। और इन्होंने 18 एकड़ के अंदर यहाँ पर दीनदयाल के प्लॉट लॉन्च किए हैं। और इनका रेरा आ गया, लाइसेंस आ गया, सब कुछ आ चुका है, SBI बैंक से प्रॉपर अप्रूव्ड है। अगर प्लॉट की बात करें तो इसमें 123 गज से लेके 175 स्क्वायर यार्ड तक प्लॉट हैं। ये इनका मेन गार्डन है और सामने जो आप देख रहे हैं ये है इनका सेल्स ऑफिस। और ये पूरा गार्डन है और इस गार्डन के बीच में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। तो गार्डन रेडी हो चुके हैं, इसमें 4 गार्डन है। और यहाँ पे बनेगा आपका क्लब हाउस, स्विमिंग पूल यहाँ पे बनेंगे। अगले साल दिसंबर तक इसकी पोजीशन हो जाएगी। और सेंट्रल पार्क को जिसने डेवलपमेंट किया है टीम, वो टीम यहाँ पे प्रॉपर पैरोल के ऊपर है। जो आप ये दीवार देख रहे हैं, इस दीवार के ऊपर अभी 3 कोट और लगने हैं, उसके बाद जो बीच में जो डिज़ाइन देख रहे हैं हर टाइप में लगेंगे, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। आइए सबसे पहले हम इस टाउनशिप को देखते हैं प्रॉपर गौर से। ये टोटल 18 एकड़ की टाउनशिप है, बहुत बड़ी। एक गार्डन ये हो गया, दूसरे गार्डन के ऊपर चलते हैं, पूरी डेवलपमेंट है यहाँ पे। अभी आप जो ये रोड देख रहे हैं ये दोबारा से उखाड़े जाएंगे, दोबारा से बनाए जाएंगे। ये टेम्परेरी रोड है, अभी ये पक्के रोड नहीं है। अभी सीवरेज का काम होगा इसके अंदर, पानी का काम होना है, पाइपलाइन वगैरह दबेगी, लाइटिंग का काम होना है। और जो आप ये लाइट देख रहे हैं, इस टाइप की लाइट लगेंगी आपके गार्डन के अंदर, और इस टाइप की लाइट रहेंगी। ये 2 लाइट सेलेक्ट होंगी। जो ये टाउनशिप आप देख रही है बहुत बड़ी टाउनशिप है। पीछे भी इसका मेन एंट्री गेट उधर बनेगा, मेन रोड पे, उधर 60 मीटर रोड की कनेक्टिविटी है। तो ये 3 साइड ओपन टाउनशिप है। एक गेट इधर लगेगा सामने, और दूसरा गेट जो आपने देखा है उधर लगेगा। और फिर ये पीछे तक है प्लॉट पूरे, बाउंड्री पूरी कंक्रीट की बनी हुई है, और इसके ऊपर 3.5 फीट की ग्रिल यानी लोहे की फेंसिंग की जाएगी। प्लॉटों की मार्किंग कर दी गई है पूरी। अभी बारिश का सीज़न शुरू हो गया था तो काफ़ी दिन लगे उसमें, क्योंकि इन्होंने जितने भी रोड हैं अंदर के वो काम शुरू कर दिया था, लेकिन फिर बीच में दोबारा से रोक दिया गया था, क्योंकि ईंटें वगैरह प्रॉपर आई हुई हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा सेल्स ऑफिस है। इसमें इन्होंने करीब 2.5-3 महीने पहले कुछ प्लॉट ओपन किए थे, और वो प्लॉट ओपन किए थे 50,000 प्लस के रेट से। और आज यहाँ पे जो रेट है वो 75,000 प्लस EDC IDC इंक्लूड करके 78,000 पर यार्ड के रेट अभी हैं यहाँ पे। और इनका मानना है कि जब तक ये प्रॉपर्टी रेडी होगी, पोजीशन होगी नेक्स्ट ईयर तक, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 1.20-1.30 तक ये रेट लेके जाएंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा मिले, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छी है। दूसरी ऐसी टाउनशिप है जो सेंट्रल पार्क के बाद इस तरह की डेवलपमेंट लेके आई है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो दीनदयाल है रेट आपको ज़रूर कम मिलेंगे, लेकिन इस तरह की जो डेवलपमेंट है वो नहीं मिलेगी आपको।
एक पार्क उधर है जो मेंटेन है, आइए एक बार वो भी देखते हैं। दोस्तों जो ये रोड है, जो आप सामने जिस रोड से अभी हम आए थे, ये रोड बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ आता है और ये टी पॉइंट बनता है। जो आप ये दो पिलर देख रहे हैं, एक ये पिलर है, एक ये दूसरा है, इसके बीच में ये 171 स्क्वेयर यार्ड का एक प्लॉट है। ये प्लॉट अभी अवेलेबल है और इसके जस्ट बैक साइड के अंदर पार्क है, तो आप ये बेनिफिट ले सकते हो। ये टी पॉइंट का बनता है, एक रोड इधर चला जाता है और दूसरा इस साइड रोड जाता है, तो उधर भी पार्क है। तो इसका बेनिफिट ये हो गया, एक तो सामने आपका टी पॉइंट बनता है मेन गेट से, मेन गेट से आप डायरेक्ट आपके प्लॉट पे आओगे, और दूसरा फेसिंग है, पीछे फेसिंग लगती है, ईस्ट फेसिंग, और अगर हम इस साइड फ्रंट होके देखते हैं तो फेसिंग हमारी आ जाएगी वेस्ट फेसिंग। अगर आप इसको बिल्डर फ्लोर बना के भी आप सेल आउट करना चाहते हैं तो वो भी बेनिफिट मिलेगा आपको। यहाँ पे PLC तो है इस प्लॉट के ऊपर, लेकिन आप जब फ्लोर बनाएंगे तो आपको 4 PLC का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। सामने दूसरा प्लॉट गार्डन उस साइड है, तो इसमें और भी ज़्यादा प्लॉट्स हैं। तो अभी जो बिल्डर्स के पास जो इन्वेंट्री है वो हाई रेट पे ओपन करने की कोशिश पे है, मोस्टली 80% से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। कितना खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है इस गार्डन को, और यहाँ पे एक अलग सी खुशबू आती है जो मिट्टी की हम खुशबू बोलते हैं बारिश के अंदर, और अब भी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा। और पीछे पूरी पहाड़ी इलाका है जिसमें अभी 10,000 एकड़ के अंदर सफारी पार्क को घोषित किया गया है, वो पूरी शाखा यहाँ तक है। अगर हम उधर देखेंगे तो अभी नहीं दिखेंगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और थोड़ा दूधिया टाइप का मौसम है, फॉग टाइप का, तो नहीं दिख पाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इस दीवार की बात करें तो दीवार के ऊपर अभी 3 कोट लगेंगे, और जो पत्थर यहाँ पे लगेंगे दीवारों के ऊपर वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गार्डन है, ये प्रॉपर यहाँ जितने भी प्लॉट है प्लॉट की बैक फेसिंग आएगी इस गार्डन के लिए। तो जो आप ये पत्थर देख रहे हैं, ये वाले, ये पत्थर लगेंगे आपके दीवारों के ऊपर, जो बीच में आप जो दीवार का जो पार्ट देख रहे हैं जो लाइनिंग टाइप की है वो इस टाइप की कलर से मैचिंग होगी और ये बीच में ही लगेंगे। तो इस टाइप की खूबसूरत ये टाउनशिप दिखती है यहाँ से। और जो मैं प्लॉट आपको मैं दिखा रहा था कि एक प्लॉट अवेलेबल है, वो ये वाला प्लॉट है, ये वाला प्लॉट है। अगर हम सामने फेसिंग करते हैं तो वेस्ट फेसिंग है, और हमारे प्लॉट के जो बैक साइड की जो बैल्कनी ओपन होगी उससे हमारी ईस्ट फेसिंग आएगी और ये गार्डन आएगा, इस गार्डन की ये फेसिंग आएगी। आइए अब हम दूसरे गार्डन के ऊपर चलते हैं, उसके भी डेवलपमेंट देखते हैं। अभी जो मेन गेट है इसका उधर से ओपनिंग होगी, जो आप जो फ्लैग देख रहे हैं एंड तक, तो वहाँ पे मेन गेट रहेगा, एक बहुत बड़ा गार्डन वहाँ भी आएगा, तो टोटल 4 गार्डन है इसके अंदर। एक गार्डन ये है, एक ये बड़ा जो बरगद का पेड़ वाला है, और आपका एक गार्डन ये हो गया, तो टोटल 4 गार्डन इसके अंदर आते हैं। SBI बैंक से प्रॉपर ये अप्रूव्ड है। दोस्तों ये जो इस टाइप के ये डिज़ाइन किए हुए हैं ये प्रॉपर स्टोन के अंदर है, पत्थर के अंदर हैं ये सारी चीज़ें, और ये आपके लगेंगे गार्डनों के जितने भी पार्क हैं, पार्कों के चारों तरफ से ये डिज़ाइन किया जाएगा, ये आप जितने भी देख रहे हैं। और ये वो डिज़ाइन है जो दीवार के ऊपर लगाया जाएगा, जो मैं बता रहा था कि दीवार के बीच में, तो ये डिज़ाइन रहेगा, और ये दीवारों के बीच में जो पत्थर हैं प्रॉपर बहुत खूबसूरत दीवार लगेंगी, और इसी कलर की ये दीवार हो जाएंगी बाद में। अभी 3 कोटिंग और बची हुई है, तो जो कलर पत्थर का है वही कलर आपकी दीवारों का आने वाला है। तो सब कुछ यहाँ पे रेडी है, सिर्फ सीवरेज का काम बाकी है, पानी की पाइपलाइन है वो बची हुई है, और लाइटिंग का बाकी सब काम रेडी है। और अभी जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तो ये रोड का काम स्टार्ट कर देंगे। ये फिर गार्डन है आपका, गार्डन नंबर 3 जो अभी हम देखने जा रहे हैं, और इस गार्डन के भी फ्रंट बैक की फेसिंग के प्लॉट हैं, लेकिन इस प्लॉट, इस गार्डन के पास कोई भी प्लॉट अभी अवेलेबल नहीं है। वो प्लॉट भी इसलिए अवेलेबल है क्योंकि कोई अर्जेंट में उसको सेल करना चाहता है, अमाउंट की ज़रूरत पड़ चुकी है, इसलिए मैंने वो कोट किया है, अदरवाइज वो भी सेल हो चुका है। तो जो भी रेट है उसके हिसाब से अगर इस टाउनशिप को देखा जाए एंड यूज के पर्पज़ से तो बहुत ही अच्छी है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जाते हैं तो लमसम आप अगर 2 या 3 साल तक होल्ड करोगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि उस टाइम तक
सोना के अंदर कोई भी टाउनशिप जो अंडर दीनदयाल आने वाली है या जो भी प्लॉट की टाउनशिप आनी है वो सब कंप्लीट हो जाएंगी, कोई लैंड नहीं बचेगी। एक बेनिफिट और मैं बताता हूँ आपको, जो ये सेक्टर 4 है, इस सेक्टर 4 में जस्ट बैक साइड में अगर मैं जूम करूँ तो वहाँ पे एक स्टेडियम पास हो चुका है, गवर्नमेंट की लैंड है और पीछे ये कॉलेज भी है और स्कूल भी है जो आप देख रहे हैं। दीवार थोड़ी मैं और जूम करता हूँ, जो पीछे जो आपको दिख रहा है इस टाइप का, वो तो वहाँ पे कॉलेज भी है और स्कूल भी है। तो आप यहाँ आके एक अलग सा ही फील करेंगे, आप विजिट ज़रूर करें, लेना ना लेना एक अलग बात है। यहाँ पे लोग रहते हैं, आपका जो सामने अपार्टमेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग अरावली होम्स GLS का, बहुत फैमिलियाँ रहती हैं। अगर हम सामने देखें पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, पहाड़ी इलाका है, गाँव है, वो बहुत ज़्यादा फैल गया है और ये ज़्यादा नहीं फैलेगा क्योंकि अरावली की शाखाएं इसके चारों तरफ आ जाती हैं। अगर हम दमदमा लेक से डायरेक्ट जाते हैं तो कुछ ही दूरी पे इस सेक्टर के जस्ट बगल से ही DMIC कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, फरीदाबाद जा सकते हैं, नू पलवल, आप कहीं भी जा सकते हैं इस टाउनशिप पे। सोना के अंदर अगर मैं अपना पर्सनल व्यू अगर मैं दूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो सेंट्रल पार्क के बाद दूसरी ऐसी टाउनशिप है ये जो इतनी अच्छी मेंटेन डेवलपमेंट और प्लान से है। दूसरी चीज़, क्लब, स्विमिंग पूल, सभी प्रकार की एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप है इधर, ये मेन एंट्री वाला गेट है जो 60 मीटर रोड से कनेक्ट होगा, ये रहेगा मेन 60 मीटर रोड की कनेक्टिविटी। और बगल में एक 24 मीटर रोड है, मतलब 24 तो नहीं है, आप 11-12 मीटर उसको मान सकते हैं। और जो सामने फ्रंट देख रहे हैं वो आएगा अपना 60 मीटर रोड पे, और वहीं पे एक कमर्शियल आएगा और कमर्शियल के बैक साइड में भी एक गार्डन आएगा। तो एक गार्डन ये इस साइड आएगा और इसी टाउनशिप के जस्ट दूसरी साइड आते हैं मेन रोड पे, वहाँ आती है JMS और फिर ग्रीन्स का और फिर आपका एकम के, ये टाउनशिप आते हैं इस साइड। तो ये पूरी टाउनशिप है, टोटल 18 एकड़ है, मेफेयर बिल्डर है, रेरा आ चुका है, लाइसेंस आ चुका है, ये पूरी इनकी यहाँ पे लेबर रहने के लिए जगह है लेबर के लिए। तो काफ़ी अच्छी टाउनशिप है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये सामने वाली जो बाउंड्री ये देखोगे, ये नॉर्मल टेम्परेरी बाउंड्री है क्योंकि यहाँ पे मेन गेट और 60 मीटर रोड से मेन एंट्री होनी है और फिर गार्डन और कमर्शियल आएंगे। तो यहाँ से फिर प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं, जो ये मार्किंग है ये यहाँ से प्लॉटिंग की स्टार्टिंग है और इसके पीछे यहाँ पे गार्डन है, काफ़ी बड़ा गार्डन है, फिर कमर्शियल है और मेन एंट्रेंस इसकी यहीं से आएगी। तो ये पूरी टाउनशिप है दोस्तों। उसके बाद ये एक एंट्री गेट इधर आ जाएगा इनका, ये लमसम 10-12 मीटर का ये रास्ता है, ये पूरा व्यू है इधर, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह है। और फिर जो आप जो रोड देख रहे हैं उधर आपके जो JMS ने भी लॉन्च किए हैं वो वाले प्लॉट आते हैं जहाँ से वो स्कूल बस जा रही है, क्योंकि आगे कॉलेज है, स्कूल है। तो इस तरीके का ये व्यू है यहाँ का, तो बहुत अच्छा व्यू आता है, साइलेंट एरिया है, रहने लायक जगह है, क्योंकि यहाँ पे वो खुशबू है जो मिट्टी वाली जो हम लेते हैं। तो ये हमारी सोना की जो सीरीज है उसमें ये सबसे पहली वीडियो है हमारी, उसके बाद हम अदर टाउनशिप की बात करेंगे, धीरे धीरे हम हर प्रकार की टाउनशिप को यहाँ पे आपके सामने रिव्यू देंगे और साथ के साथ आपको ये भी समझाएंगे कि किस टाउनशिप के अंदर आपको थोड़ा बेटर फील होगा। हमने पहले नंबर पे ये टाउनशिप रखी है इसलिए इसकी वीडियो पहली आई है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो का रिव्यू करेंगे जल्द ही, और ये 7 दिनों के अंदर हम 7 ऐसे प्रोजेक्ट को हम इस अपने चैनल के अंदर डालने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसमें ट्राई करना चाहते हैं तो रेरा आ चुका है और आप एंड यूज या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मार्किंग है, आपको आपके प्लॉट का जो साइज़ है, कहाँ पर आपका प्लॉट है, क्या फेसिंग आ रही है, तो सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं दोस्तों इसी सीरीज़ के दूसरी वीडियो के अंदर, तो बात करते हैं फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।